राजस्थान के रामगढ़ विधानसभा में उपचुनाव है। हम आपको बता दें कि रामगढ़ से करीब यानी कि 9 महीना पहले जो यहां का विधायक था जुबैर खान, उनका स्वर्गवास होने पर, उनका देहांत होने पर अब कांग्रेस पार्टी ने जो है उनके बेटे आर्यन जुबैर को टिकट दिया है। अगर भाजपा पार्टी की बात करें तो भाजपा पार्टी ने जो है सुखवंत सिंह उसको टिकट दिया है और प्रत्याशी जो है बाकी। ये अब रामगढ़ विधानसभा में एक तीसरा मोर्चा भी आ गया है, यानी चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी से एक महिला को टिकट दिया है। रही बात यह कि आज हम चीड़वा ग्राम पंचायत में हैं और यहाँ पर कुछ गांव की सरदारी है, गांव के मौजूद लोग हैं और यहाँ पर दोनों ही समुदाय के लोग, हिंदू मुस्लिम समुदाय की बात करें दोनों ही समुदाय के लोग हैं। इनसे हम इनकी निष्पक्ष राय जानना चाहेंगे, आखिरकार जो इस बार ये वोटिंग यानी कि कर रहे हैं कि क्या इनके मुद्दे हैं, क्या इलाके की समस्याएं हैं और किसको ये वोट कर रहे हैं और किस लिए वोट कर रहे हैं, सारी बातों पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। तो हम सीधा चलते हैं, तो हमारे साथ कुछ गांव के जो मौजूद व्यक्ति हैं, गांव की सरदारी है वो मौजूद है, उनसे हम सीधा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अतर सिंह है। अच्छा अतर सिंह जी, हाँ जी। कौन सी ग्राम पंचायत है? ग्राम पंचायत चीड़वा, गांव भी चीड़वा है। अच्छा चीड़वा ग्राम पंचायत से आते हैं, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? आर्यन जुबैर को। आर्यन जुबैर को वोट कर रहे हैं, यानी कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को। भाजपा को वोट नहीं कर रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्या नाराजगी है भाजपा से? नाराजगी, काम बड़े करेगा वहां को वोट मिलेंगे। अच्छा, जुबैर अच्छा आदमी हो, बड़े आदमी हो, वहां ने कोई जाति भेदभाव ना करो, तो इसलिए मतलब जुबैर का ये लड़का है उसके लिए वोट कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। कितने परसेंट आपके गांव में जो है कांग्रेस की वोट है, आर्यन जुबैर की वोट? 90%। 10% बीजेपी में जा सके। अच्छा 90%, 90% पोल आर्यन जुबैर, आर्यन जुबैर का। आपका क्या नाम है? हबीब साहब। अच्छा, आपकी भी ग्राम पंचायत चीड़वा से जी? हाँ, चीड़वा। तो किसको वोट कर रहे हैं इस बार? आर्यन जुबैर। आर्यन जुबैर को वोट कर रहे हैं? हाँ। कांग्रेस को वोट कर रहे हैं जी? कांग्रेस को। तो बाबा अगर बात करें तो भाजपा से इतनी नाराजगी कैसे है आप लोग? सब ने कभी कोई काम ना कराया आज तक भी, जितना अच्छा। काम कराया सब जुबैर जी ने कराया। जुबैर जी ने काम कराया रामगढ़ तहसील पूरी में, इन आज तक ये खम्भों ना लगवाए बिजली को भी। अच्छा, आज तक कोई सड़क ना बनवाई, जिन सड़क और बिजली है सब जुबैर जी की है। जुबैर जी की है, वहाँ के पाचे हम वोट मतलब दे रहे हैं आर एल भाई, कैसे ही बढ़िया विकास कराया हुआ का। क्या कह रहे थे? बढ़िया विकास कराया इन्होंने। किसने विकास कराया है? जुबैर जी ने। जुबैर जी ने विकास कराया है। हाँ। अच्छा, जुबैर जी 36 बिरादरी के नेता थे, अगर हम बात करें तो आपसे? बिल्कुल 36, कोई भेदभाव नहीं करा। नहीं चलते थे क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबको समान नेता है, सबके लिए बढ़िया। अच्छा, बराबर का अधिकार? अधिकार हाँ बिल्कुल, बराबर का देता सम्मान सबको। कांग्रेस को दे रहे हो या जुबैर की अच्छाई को वोट जा रही है? ना, जुबैर की अच्छाई को भी जा रही है, कांग्रेस को भी जा रही है साहब। कैसे मैंने काम करा हमारे रामगढ़ तहसील में, पूरा काम जुबैर का है। देखिए, जुबैर साहब नहीं रहे लेकिन आज भी जनता उनको याद करती है, उनकी अच्छाई के कारण याद करती है। ये चीड़वा ग्राम पंचायत की सरदारी है, जिनके दिलों में आज भी उनके प्रिय जन सेवक, मैं कहूँगा कि जो जनता का प्रिय नेता है जुबैर खान, उनका डंका आज भी बाजता है। उनके ही बेटे हैं आर्यन खान, जो चुनावी मैदान में हैं और लगातार उनका जनसंपर्क अभियान गांव-गांव हो रहा है। और रही बात ये जनता की निष्पक्ष राय है, और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आप लोगों को कि भाई जनता जिनके सर पर ताज बांधती है, अपने विकास के लिए बांधती है, अपने यानी कि बच्चों को नौकरी के लिए और भी गाँव की जो समस्याएँ हैं, छोटी मोटी समस्याएँ हैं, उनकी पूर्ति के लिए अपना जनसेवक चुनती है, अपना MLA चुनती है, अपना जनप्रतिनिधि चुनती है। लेकिन ये पब्लिक की आवाज़ है, पब्लिक जिसको सर माथे चढ़ाती है चढ़ाती भी खूब है, और जिसको गिराने पे आ जाती है धरती में भी मिला देते हैं। इनके बगैर जो है ताज नहीं मिल सकता किसी को भी। तो और भी, क्या नाम है जी आपका? यासीन। अच्छा, किसको वोट कर रहे हैं आप? या कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को वोट कर रहे हैं? जुबैर को छोड़ो, जुबैर जुबैर के लड़के को वोट कर रहे हैं। आपका क्या नाम? रमल। कौन सी ग्राम पंचायत? चीड़वा। चीड़वा, किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस। कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। अच्छा, भाजपा से इतनी नाराजगी कैसे है? हमने दी ना कभी कहीं में। अच्छा, भाजपा में आपने दी ना कभी भी? और अब दिए भी ना, कितने जिंदा। अच्छा, तो ये वोट आप कर रहे हैं जुबैर के नाम से कर रहे हैं, किसके नाम से? जुबैर का लगा ले, लड़को तो भाई को है भाई, जुबैर का ही नाम सुबह ना हमारे काम करा है। अच्छा, काम बोलता है आज भी जुबैर का?
बोले और कुछ ना बोले, सब स्कूल स्कूल विकास जो भी कुछ शिक्षा सब वही ने करवाया हमारे पंचायत में, तहसील में रामगढ़ में। हाँ पूरी रामगढ़ में, रामगढ़ में। हाँ कोई नहीं ना कहेगा या काम ना कराया, सब काम जुबेर जी का है, सब काम सब कोई पहुंच जा सबकी सुने सबको भला आदमी है साहब। देखिए जुबेर खान का लगातार यहाँ आज जो उनको देखो याद करती है पब्लिक, अच्छाई के लिए याद करती है। तस्वीरें देख रहे हैं जिनमें बुजुर्ग सरदारी में कहूँगा कि बुजुर्गों ने साफ कर दिया कि 90% यहाँ कांग्रेस को वोट जाएंगे और 10% कोई अन्य पार्टियों को यहाँ वोट जाएंगी। आपका क्या नाम है? असरुद्दीन है जी। अच्छा किसको वोट कर रहे हैं इस बार? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। अच्छा भाजपा भी तो पार्टी है, भाजपा की भाजपा जो सरकार है जी हिंदू मुस्लिम करती है। अच्छा कांग्रेस ने आज तक जुबेर ने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कही, सबको साथ में लेकर चला। अच्छा भाजपा हिंदू मुस्लिम करती है? हाँ हिंदू मुस्लिम करती है, जातिवाद करती है, जब जारी वोट लेती है। अच्छा हाँ धर्म के नाम पे धर्म सब समान है परंतु हिंदू मुस्लिम करती है, भाजपा को यहाँ पर वोट नहीं है। अच्छा कांग्रेस को वोट करोगे? कांग्रेस को वोट करे, जुबेर के छोरा को वोट करे, जुबेर के लड़के को वोट कर रहे हैं। हाँ नाम है? अच्छा किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो ये बता रहे हैं कि भाजपा तो यहाँ ऐसा करती है, सही बात है? हाँ जब ये तो आप ही पता जो थे ऐसा करती है और तो आप ही पता वो तो जांच पे को तो लगा था ये भाजपा जातिवाद तो करती है, जातिवाद करती है, जातिवाद के सिवा और कोई काम नहीं है। अच्छा जातिवाद करती है भाजपा और कोई काम नहीं है, मतलब हमारे जुबेर जी ने ये छोटो सा गाँव है जो बार भी स्कूल करवाई, आज भी जुबेर खान को याद करते हैं। हाँ देखिए साथ जात याद करेगी, नहीं नहीं कर रहा, यहाँ की जो रामगढ़ तहसील की जनता है साथ जात मरना के बाद भी फिर भी जुबेर खान को याद करती है। देखिए जुबेर खान एक ऐसे नेता थे जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को बरकरार रखते थे, आप बुजुर्ग की जुबानी सुन सकते हैं और इनकी जो है बिल्कुल सहानुभूति भी देख सकते हैं, जुबेर खान के साथ सहानुभूति है इनकी और बिल्कुल भावुक भी हो गए जब उनका नाम आया। इन्होंने कहा कि भाई 36 बिरादरी के नेता हैं जुबेर खान और लगातार जो है यहाँ पर अगर चीड़वा ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ पर 90% मैं कहूँगा कि जुबेर खान का डंका बज रहा है, उनके बेटे आर्यन जुबेर हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और लगभग ये कांग्रेस के ये लोग साथ हैं और उन्होंने बताया कि वे भाजपा पार्टी क्या करती है वो आपको सुनवा भी रहे हैं भाई किस तरीके से। क्या नाम है आपका? फदरदीन। अच्छा किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। हाँ। आपका क्या नाम है? जल्ल। किसको वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को वोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो है कांग्रेस का जनाधार लगातार जो है बढ़ता नजर आ रहा है और लोग जो है एक सुर में कांग्रेस को वोट करते नजर आ रहे हैं। ये गांव के बुजुर्ग व्यक्ति हैं जिन्होंने बेखूबी कहा कि वो इस बार जो है कांग्रेस को वोट कर रहे हैं और यानी कि अपने प्रिय जन प्रतिनिधि को वोट कर रहे हैं। आर्यन जुबेर खान का जनाधार यहाँ पर अगर चीड़वा ग्राम पंचायत की बात करें तो यहाँ आर्यन जुबेर है जो भारी नजर आ रहे हैं।